ब्रेक बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। प्राइवेट में तो डेंगू निकला है। डेंगू का मलेरिया का छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं। डेंगू के लिए भले ही दिल्ली बदनाम है, लेकिन इस साल दिल्ली नहीं उत्तर प्रदेश में डेंगू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। शहर शहर डेंगू का कहर जारी है। हालांकि डेंगू से लड़ने के लिए प्रशासन ने कमर तो कस ली है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। भले ही राज्य सरकार और नगर पालिका डेंगू से छुटकारा पाने के लिए फॉगिंग का सहारा ले रहे हो, लेकिन इससे भी इस बीमारी पर कुछ खास असर नहीं दिख पा रहा है। अनिल कुमार बताते हैं कि वो रोजाना फॉगिंग और कीटनाशक का छिड़काव करने कई किलोमीटर जाते हैं। अकेले गोरखपुर में 36 लोगों की टीम बनाई गई है जो अलग अलग इलाकों में जाकर फॉगिंग को अंजाम देते हैं। ये फॉगिंग का, डेंगू का, मलेरिया का छिड़काव करते हैं, फॉगिंग करते हैं। हाँ, डेली। कितने बजे निकलते हैं? यहाँ से हम लोग निकलते हैं 6 बजे, डेली 6 बजे निकलते हैं। और 2 वार्ड काम करते हैं, नंदा नगर और झरना टोला। कितने लोगों की टीम है? यहाँ पे है 36 लोगों का टीम। कैसे छिड़काव करते हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? छिड़काव जो करते हैं आप लोग, क्या लेके सामान? इसमें पेट्रोल रहता है, पेट्रोल रहता है, डीजल रहता है, और डीजल में केमिकल मिक्स रहता है, और उसी के हिसाब से हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे और फिर चलता है। भले ही फॉगिंग से डेंगू और चिकनगुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि फॉगिंग ज्यादा प्रभावी नहीं है और डेंगू और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद नहीं कर सकती है। अगर डेटा की माने तो फॉगिंग से वास्तव में मच्छरों की संख्या पर कुछ खास असर नहीं पड़ता है। ये धुआं मच्छरों को मारता नहीं है, बल्कि कुछ देर के लिए भगा देता है। साथ ही ये जोखिम भरा भी है। गोरखपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय का भी यही हाल है। इस अस्पताल में भी लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। अगर इस अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो पिछले 5 दिनों में डेंगू के 102 केसेस सामने आए हैं। हालांकि अब तक 500 से ऊपर लोगों का टेस्ट यहां हो चुका है, लेकिन इनमें से महज 102 गोरखपुर से थे और बाकी अलग अलग जनपदों और बिहार से आए थे। सर, डेंगू के मरीजों को क्या स्थिति है? डेंगू के केसेस हमारे गोरखपुर में भी पॉजिटिव पाए गए हैं और सेंट्रल लैब पॉजिटिव हैं, तो हम उन्हें डेंगू का केस ही मानते हैं। और ऐसे लगभग 102 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं जो गोरखपुर के हैं। टेस्ट तो हमने करीब 500 किया है सेंट्रल लैब में, लेकिन उसमें अगल बगल के ज़िलों के और 22 केस बिहार के ऐसे भी पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन गोरखपुर के कुल 102 मरीज़ थे। 3 दिन पहले 102 मरीज़ पॉजिटिव की फिगर थी, और इस पिछले 3 दिनों में किसी भी केस के बढ़ने की कोई भी स्लाइड या कोई भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये ट्रेंड अब डाउन फॉल की तरफ है, अब केसेस नहीं बढ़ेंगे। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, और करीब करीब 57 केस 3 दिन पहले की स्थिति थी। 57 केस हमारे ज़िला अस्पताल में ही भर्ती होकर ठीक होकर चले गए थे। सावित्री हॉस्पिटल और गोरक्षनाथ अस्पताल में भी केसेस भर्ती होकर ठीक होकर चले गए। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ये भी कहना है कि अब डेंगू डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी लगातार गोरखपुर के कई इलाकों में डेंगू के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं तैयारी के बावजूद भी प्रशासन इस बीमारी को पूरी तरह से नहीं रोक पाया है। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट, यूपी तक।